तो एक सवाल तो ये था कि इसके बाद आपके आप क्या करना चाहिए इसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए। जाहिर है अभी तो हमने 10 सूरतों पे ये माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी असल में प्रैक्टिस होता कर ये पाए। है, होता ये है कि एक तो हमारी तजवीद जो है ये जी हमने जी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इस तरीके से स्टार्ट की है, ठीक है ठीक है और तजवीद भी हमने तकरीबन उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कम्प्लीटली कम्प्लीटली और इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कस करके उसको पढ़ाया हम लोगों ने। ठीक है ये बिल्कुल एक तो सही। बहुत अच्छा हो गया। सेकेंडली ये कि ये 10 सूरास जो हैं वो कोशिश की है कि इस तरीके से पढ़ा जाए इसको, ताकि नेक्स्ट पढ़ना और उसके बारे में अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो ठीक जाए। है सही 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 अगर आप मतलब इफ यू वांट टू रीड द कुरान इन फ्यूचर तो मतलब यू कैन आइडेंटिफाई योर मिस्टेक योरसेल्फ। ठीक है सही तो सही ये कि कम से कम एक पेज जो है वो मतलब एवरी डे एवरी सिंगल डे आपको पढ़ना चाहिए ठीक है ठीक है अपनी मिस्टेक्स को सामने रख के। तो सही सही बल्कि ये मैंने सजेशन दी भी थी तो नास्पोलिस वालों को भी दी थी मैंने, लेकिन उसमें ये कि अगर हमारे पास उस पर इस लेवल के एटलीस्ट आ जाएं तो फिर ये है कि हम एक क्लास जो है वो ऐसे लोगों की अरेंज कर सकते हैं जो मतलब फुल फ्लेज कुरान सुनाने वाली हो, ठीक बिल्कुल ठीक यानी वो अपने तौर पर एक पेज जो है, एक पेज का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 30 लाइन्स जो हैं वो प्रिपेयर करें अपने सही तौर पे सही और फिर वो हमें सुनाएं, जी उसमें जो जी मिस्टेक्स हो उसको फिर जो है करेक्ट किया जाए। ओके एक और जी अगर जी जल्दी से सवाल पूछ सकूं। अब जाहिर हम लोग तो ये जो कुरान को अच्छी तरह से लय से पढ़ना होता है ये सीखा जा सकता है इस उम्र में या नहीं, या बचपन से ही ये इसमें टू सीख सकते कैटेगरीज हैं, इसमें टू हैं। कैटेगरीज हैं। जी फर्स्ट जी कैटेगरी तो वो है जो लोग आप अभी सुन रहे हैं सही और सही उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सही सही ये उम्र के हर हिस्से में आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक है ठीक है है ना, मतलब ये है कि विद योर स्ट्रॉन्ग एफर्ट। ठीक है और जो सेकंड है, सेकंड पार्ट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और वो मतलब जाहिर सी बात है एक गले का एक एज में बन जाता है, फिर उस एज में मेहनत की जाती है, पढ़ा जाता है। तो मतलब ये है कि उसके लिए एक खास एक एज होती है, और सेकेंडली ये है कि वो खूबसूरत आवाज का भी होना एक गॉड गिफ्टेड है। ठीक ठीक है बिल्कुल है ना, सही है तो मतलब ऊंची आवाज से पढ़ना, या जिस तरह आपने मेरे कुछ क्लिप्स तिलावत के सुने होंगे आपके पास पहुंचे होंगे, ये बिल्कुल चीजें जो है क्योंकि ये बचपन से होती हैं और इसके लिए खास उम्र का हिस्सा होता है कि फिर उस एज से लेके एंड ऑफ एज तक वो मतलब चीजें चलती रहती हैं। बिल्कुल ठीक और है एक जो है जो हम कर रहे हैं ये भी एक लय में ही पढ़ना है, सही बट इसमें सही यह है कि जब वर्ड्स जो हैं वो इसमें लेकर नॉर्मल आपकी आवाज रहती है, आवाज इतने हाई नोट्स पे नहीं जाती, ठीक सही आवाज आपकी नॉर्म देखें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी लय में पढ़ना है। ठीक है ठीक है अलम तर कैफ फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضليل, तो ये भी लय में पढ़ना ही कहलाता है। सही सही इसमें बस ये होता है क्योंकि हम लोग हमारा देखे ना सारी जिंदगी सब्जेक्ट तो इमरान साहब और सैर साहब वो रहता है, इंग्लिश रहता है, बायो रहता है, फिजिक्स रहता है, मैथ बिल्कुल ऐसे ही मैथ रहता है, तो देखें हमें अरबिक के साथ इतने हम लोग यूज टू नहीं होते, ये जेन्युइन रीजन है, बिल्कुल ये सही जेन्युइन रीजन है। तो आप जितना ज्यादा आप इसको पढ़ेंगे और आपकी जुबान पर इतना आसान से आसानी से अल्फाज जब आप पिक करना शुरू हो जाएंगे, उसको प्रोनाउंस करना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप लय में आना शुरू हो जाएंगे। अब देखें बिल्कुल ना ठीक है सूरह फातिहा आप कितने टाइम पढ़ते हैं, एटलीस्ट आप 5 नमाजों में पढ़ते हैं, और अगर आप बिल्कुल उसका सुन्नत और नफल पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल देखिए कितने टाइम आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। तो ठीक बिल्कुल ठीक अब सूरह फातिहा की जो प्रैक्टिस है एज कम्पेयर टू एंड अदर सूरास, इस सूरह फातिहा की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। तो अब सूरह फातिहा आप जितना फ्रीक्वेंटली आप पढ़ सकते हैं शायद और कुछ सूरह आप नहीं पढ़ सकते।
और उसमें आपकी लैब भी बन जाएगी, लेकिन दूसरी सूरा में इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि आपकी इसमें प्रैक्टिस नहीं है। तो ये डिफरेंस मैंने आपको अर्ज किया है। तो जितनी ज्यादा आपकी जुबान पर वो अल्फाज चढ़ते चले जाएंगे और इजी प्रोनाउंस हो जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन उसकी इजी हो जाएगी, इतना ही आप लय में आते जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस जो सेकंड वाली कैटेगरी है उसमें पॉसिबिलिटी है, जो पहले वाली है उसमें नहीं हो सकती, वो काफी डिफिकल्ट है। अच्छा। वो डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है, ऊंचे सुरों में पढ़ना और बकायदा फिर उसके नोट्स होते हैं और उस नोट्स को लेकर चलना, वो काफी मुश्किल होता है। हाँ, अगर आवाज एक आदमी की कितनी खूबसूरत है ऑलरेडी, तो वो कोई ना कोई चीज पढ़ता है और उसको थोड़ा बहुत पता भी है उस चीज का, सुर लय का पता है, तो उसको फिर चलाना हमारे लिए काफी आसान है। ठीक है, वगरना फिर वो ये है कि मैं अपने तौर पर एफर्ट करता रहूंगा, पढ़ने वाला अपने तौर पर एफर्ट करता रहेगा और वन डे उसका नतीजा ये निकलेगा कि हुआ कुछ भी नहीं। आमतौर पे लोग जब गाते हैं तो उसका एक बाकायदा एक स्कूल होता है, उसका एक तरीका जी, है, वो उसमें रियाज करते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो इसका देखें। अच्छा, आप उसमें एक जो साहब थे वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्लास तजवीद की भी पूरी पढ़ी और सारी चीजें हमारे साथ की, बट मकामात में वो नहीं चल सके, वो मूव हो गए। दो हमारे साथ ऐसे लोग थे, एक हमारी स्टूडेंट हैं, वो उनकी माशाल्लाह उनको थोड़ी सी नाउ हाउ का पता था, इसका म्यूजिक का भी पता था और किया हुआ था, आवाज भी उनकी बहुत खूबसूरत है और हमारे यूनिवर्सिटी के काफी सारे प्रोग्राम जो पार्टिसिपेट भी वो करती हैं, उनकी आवाज अच्छी थी। और एक हमारे और हमारे दोस्त है वो साहिद साहब, वो अमेरिका से थे, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। ये दोनों परमानेंट एंड तक चलते रहे और इनको समझाने से समझ भी आती रही है और ये उसको माशाल्लाह 70% 80% उसको फॉलो भी करते रहे। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप जैसा कभी आपने नाज शरीफ पढ़ी हो, म्यूजिक की कभी कोई क्लास ली हो, आपको उसकी वेरिएशंस का पता हो, कैसे मतलब टोन्स को मतलब किस तरीके से बनाया जाता है, किया जाता है, तो फिर आसान होता है। ठीक है, फिर काफी हद तक हमारे लिए चीजें हम फिर डिलीवर करते हैं, अरबिक टोन्स जो हैं वो मतलब बताते हैं और उसके फिर आपको नोट्स बताते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन बताते हैं, तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। और एक आदमी उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो सिर्फ इंजॉय करता है, तो फिर इंजॉयमेंट में और लर्निंग में सर बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है।